दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल में कॉलर ट्यून कैसे लगाएं। अगर आप भी अपने मनपसंद का कॉलर ट्यून लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो का पूरी लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही आसानी से कॉलर ट्यून लगा कर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सिंपली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उसके बाद सिंपली यहाँ पर ये जो सर्च वार है यहीं पर जाना है और आपको सर्च कर लेना है WYNK म्यूजिक। यहाँ पर आप अपने मोबाइल में विंक म्यूजिक को सर्च कर लेंगे और सर्च कर लेने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा और यहाँ पर आपको इंस्टॉल दिखेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर बिल्कुल ईजी स्टेप में इसको साइन इन कर लेंगे मोबाइल नंबर डाल के और उसके बाद सिंपली आपको नीचे माना और नीचे में यहाँ पर आपको दिखाई देगा हेलो ट्यून। तो सिंपली आपको यहीं पर जाना क्लिक कर लेना और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे गाने आपको मिल जाएंगे कि आप कौन सा गाना लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने मनपसंद कोई गाना को सिलेक्ट करना चाहते हैं चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च बार मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आप जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक गाना सर्च किया हुआ था कंतारा का जो यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाना भी मेरा प्ले होने लगा है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे गाना है। तो सिंपली यहाँ पर आप कोई भी एक गाना प्ले कर देंगे और आपको इसी गाना को अपने कॉलर ट्यून में लगाना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको थ्री डॉट दिखेंगे तो सिंपली यहीं पर जाना क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेट हेलो ट्यून का ऑप्शन। तो सिंपली आपको यहीं पर जाना क्लिक कर लेना है और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा गाना वो बजने लगा जिसको मैं सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली नीचे में लिखा हुआ सेट हेलो ट्यून। तो सिंपली आपको इसी सेट हेलो ट्यून पर जाना क्लिक कर लेना है और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल कॉलर्स लिखा हुआ है। तो सिंपली आपको यहीं पर जाना है और उसके बाद नीचे में सेट हेलो ट्यून लिखा है तो सिंपली आपको यहीं पर जाना है सेट हेलो ट्यून पे क्लिक कर देना और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ सेटिंग हेलो ट्यून। तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर मेरा कॉलर ट्यून अब सेट हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल में कॉलर ट्यून को सेट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कैसे मैंने विंक म्यूजिक के मदद से बहुत ही आसानी से अपने कॉलर ट्यून को सेट कर लिया। अगर मैं इसको चाहूँगा भी बदलना तो सिंपली यहाँ पर मैं अभी दूसरा गाना को भी कॉलर ट्यून में लगा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा मैसेज भी आ चुका है वेरिफिकेशन का कि मेरे मोबाइल में नया कॉलर ट्यून सेट किया गया है। तो देखा दोस्तों कितना आसान था। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।